अल मरजान अरेबियन एंड बारबेक्यू रेस्टोरेंट, एक कंप्लीट टेस्ट ऑफ अरेबियन फूड विद वैरायटीज ऑफ डिशेस। हबीबी, कम टू अल मरजान। ताल ताल या शबाब। अल मरजान ने इस रमजान में अपने जायके में और भी दुगना किया है अपने डिशेस को रीलॉन्च कर। अपने जायके को बनाइए और भी जायकेदार। आइए अल मरजान। प्योर 100% असली घी से बने मटन और चिकन हलीम के अलावा मटन जूसी मंदी, मटन फ्राई मंदी, मटन मंदूफ मंदी, चिकन मंदी, चिकन अल्फाम मंदी, बुखारी मंदी और शोया मंदी। डेजर्ट फूड में आपको मिलेगा गुले फिरदोस, केसरी रबड़ी मलाई, एप्रिकॉट डिलाइट, मैंगो डिलाइट, कुनाफा और मोजिटो। अल मरजान में आप अपनी फैमिली के साथ भी डाइनिंग कर सकते हैं, जिसके लिए सेपरेट सेक्शन बनाया गया है विद खूबसूरत एम्बियंस के साथ। आपकी सहूलत को देखते हुए अल मरजान ने अपने डिशेस का एक छोटा सा ब्रांच ओपन किया है गुलबर्गा साउथ लोगों के लिए बिसाइड ऑर्किड मॉल मुस्लिम हॉस्टल, और गुलबर्गा नॉर्थ लोगों के लिए मकबरा मस्जिद नियर पाकिजा स्टॉप, जहां से आप पार्सल पिक कर सकते हैं। सो डू विजिट टू टेस्ट ए कंप्लीट अरेबियन डिशेस अल मरजान अरेबियन एंड बारबेक्यू रेस्टोरेंट नियर टीपू चौक रिंग रोड गुलबर्गा। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 8123087087। दोस्तों, मैं हूं मोशन, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं गुलबर्गा टाइम्स। फिर एक बार मैं आपके सामने आया हूं, और इस बार जायकेदार आपके जायके को और भी जायकेदार बनाने के लिए अल मरजान ने अरेबियन डिशेस को रीलॉन्च किया, और वो भी बढ़िया टेस्ट। तो मेरे साथ अल मरजान के ऑनर जुबैर भाई हैं, जो यहाँ के जितने भी जो डिशेस है अरबी डिशेस है उसके एक्सपर्ट है। जुबैर भाई, इस बार का रमजान, सबसे पहले तो आपको रमजान मुबारक। तो क्या रिस्पॉन्स है पब्लिक का इस बार, क्या नए डिशेस आपने लॉन्च किया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहले तो मैं सबको गुलबर्गा की आवाम को गुलबर्गा की आवाम को रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है हमारा फ्रॉम डे वन से हलीम का। तो और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खास बात ये है कि हमारे पास हलीम खाने के लिए लोग ऑल ओवर द कर्नाटका में, जैसे कि हॉस्पेट बेल्लारी वहाँ से भी आते हैं वंस इन रमजान। और रायचूर खरीब में जो है रायचूर, शाहपुर, बीजापुर, और ये अपने महाराष्ट्र से शोलापुर, ये हमारे रेगुलर कस्टमर है मंदिर और हलीम के लिए। ये हलीम कितने मतलब नमूने की हलीम है, कि क्या क्या टेस्ट हमारे पास? देखिए, दो वैरायटीज है, चिकन और मटन में। चिकन और जी, प्योर हैदराबादी जो अपना टेस्ट होता है ना, वही टेस्ट है। और प्योर मटन और प्योर चिकन और प्योर घी के साथ मिलेगा हमको, जो ऑथेंटिक तरीका है हलीम का। वही आपके डेजर्ट फूड की काफी तारीफ सुनी है, डेजर्ट फूड में क्या क्या वैरायटीज है? जैसे कि डेजर्ट फूड में हम गुले फिरदोस, केसरी रबड़ी मलाई,
एप्रिकॉट डिलाइट और जो है मैंगो डिलाइट, कुनाफा तो हमारा सिग्नेचर डिश है अलमरजान का। जैसे मंदी हमारी अलमरजान की सिग्नेचर डिश है, वैसे ही डेजर्ट में कुनाफा सिग्नेचर डिश है, जो कि सिर्फ अलहमदुल्ला सिर्फ अलमरजान में मिलता है। अच्छा, ये मंदी के बारे में कुछ बताइए कि मंदी कितनी वैरायटीज की मंदी है आपके पास? जैसे हमारे पास मंदी में देखिए, मटन में आपको मटन जूसी मंदी मिलेगी, मटन फ्राई मंदी मिलेगी, मटन मदफून मंदी मिलेगी, और चिकन में भी चिकन फ्राई मिलेगी, चिकन अल्फहम मिलेगी, बुखारी मिलेगी। अभी जो हमने न्यू लॉन्च किया है वो है बुखारी, उसके साथ आपको अल्फहम मिलेगा, शवाया मिलेगा, और जो है शीख कबाब मिलेगा। इतनी पब्लिक रमजान के मौके पर आपके पास जो डिशेस के लिए आ रही है, तो आप लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं? जैसे कि रमजान में, खास तौर पे रमजान में लोगों को, जैसे कि MSK मिल एरिया है, तिमापुरी चौक है, वहां से खास कम इफ्तार के वक्त में यहाँ तक आना पड़ता था, तो इसीलिए हमने उनके लिए क्या किया, एक ब्रांच हमने एक कियोस्क हमने ऑर्किड मॉल के बाजू में बिसाइड ऑर्किड मॉल मुस्लिम हॉस्टल में लगा दिया है, ताकि आसानी हो उनको टेक अवे, और छोटा मोटा डाइनिंग भी आपको मिल जाएगा। और जैसे इस तरफ अपने नॉर्थ में जैसे कि दरगाह है, मुस्लिम संघ है, शेख रोजा है, जो भी है, वो एरिया से लोगों को यहाँ आने काफी दूर होता था, तो उसी तरह हमने एक और ब्रांच अपना जो कि कियोस्क है, वो है मकबरा मस्जिद के बिल्कुल बाजू, और जो पाकिजा जिसको कहते हैं दरगाह रोड, वहाँ हमने अपना सेकंड ब्रांच सेकंड कियोस्क हमने लगाया है, ताकि हमको हमारे कस्टमर को आसानी हो सके, क्योंकि कम वक्त में कम इफ्तार के वक्त में हर कोई हलीम का जायका ले सके। जुबैर भाई, फैमिलीज भी काफी पसंद कर रहे हैं आपके डिशेस को, अगर फैमिली आके आपके पास डाइनिंग कर सकते हैं तो उनके लिए क्या सहूलत? जी, जैसे कि हमारे पास फैमिली सेक्शन पिछले 3 साल से भी था, लेकिन इस बार हमने फर्स्ट फ्लोर पूरा प्राइवेट कैबिन बना दिए हैं फैमिली सेक्शन के लिए, ताकि ईच फैमिली को प्राइवेसी मिल सके और कन्वीनियंट प्लेस मिल सके। पूरा फर्स्ट फ्लोर हमने पूरा फैमिली सेक्शन कर दिया है ऊपर का। बिल्कुल, तो ये थे हमारे जुबैर भाई अलमरजान के ऑनर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अलमरजान होटल टीपू चौक पे है, लेकिन कहते हैं कि भाई कुछ चीज़ें जो होती है उनका नाम ही काफ़ी होता है। अगर आप टीपू चौक पर आएंगे, अगर आप महसूस भी करेंगे, तो अलमरजान आपकी नज़र अलमरजान रेस्टोरेंट पे पहुंचेगी। ये वही रेस्टोरेंट है जहां पर आपको जेन्यून अरबी मसालों से बनी मंदी, हलीम और जायकेदार डेजर्ट फूड मिलेंगे। तो इस रमज़ान में अपने जायके को और भी जायकेदार आप बना सकते हैं अलमरजान के साथ। Thank you for watching Gulbarga Times. For daily updates, subscribe our channel.